नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमरजेंसी सायरन के बारे में। जो इमरजेंसी सायरन है, ये प्लांट में क्यों लगाया जाता है, इसका काम कैसे है और ये काम कैसे करता है। तो जो जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होता है या प्लांट है, पावर प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, अदर रिफाइनरी है ना, अदर छोटी छोटी कंपनियाँ भी हैं, है ना, डिस्टिलरी वगैरह हैं, इन कंपनी में जहाँ पे हम सायरन लगाते हैं इमरजेंसी, तो कभी इमरजेंसी अगर होती है प्लांट के अंदर, तो ये सायरन कैसे काम करेगा, सायरन जब बजता है तो लोगों को क्या करना चाहिए, जो वर्कर है, एम्प्लॉइज है, उन लोगों को क्या करना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी सायरन के बारे में। तो जब से पहले जो इमरजेंसी जो सायरन लगा रहता है, तो उसको हम टेस्ट भी करना होता है ना। ऐसे नहीं कि हमने इमरजेंसी सायरन बजाया और सायरन बजा और लोग पैनिक हो गए, घबरा गए, एकदम भाग के आगे बाहर, है ना। हमको टेस्टिंग भी करना है, तो एक टेस्टिंग की टाइम भी होनी चाहिए, कितने मिनट को हमने चलाना है और उस टाइम पे कैसे उसकी टेस्टिंग करनी है। तो ज़्यादातर जो इमरजेंसी सायरन टेस्टिंग जो हम करते हैं, एक मिनट तक कंटिन्यू उसको चलाते हैं, वीकली कर लो, मंथली कर लो, 15 दिन में कर लो, जब भी आप उसका टाइमिंग अगर सेट करना चाहते कर सकते हैं। और उसको जब हमने सायरन को टेस्ट करना है तो उसको क्या करना है, हमको उसको एक मिनट तक कंटिन्यू उसको चलाया रखना है। कितने मिनट चलाएंगे, एक मिनट तक कंटिन्यू उसको चलाया रखना है। जैसे हमको टेस्ट करना है कि सायरन हमारे वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, तो वो चेक करेंगे। ठीक है, सेकेंड आ जाता है हमारा, अगर कभी फायर हो जाती है, आग लग जाती है, या कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई एक्सप्लोजन हो जाता है ना, कोई गैस लीक हो जाती है ना, तो जब ये, तो जब हमको अपने वर्कर वगैरह जो है उनको निकालना है बाहर, तो वो उनको कैसे निकलना है, कैसे पता चलेगा कि भैया फायर का अलार्म है, एक्सप्लोजन का अलार्म है, तो उसको लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझने के लिए, तो सायरन को क्या करेंगे, 10 मिनट तक हम क्या करेंगे उसको, 10 सेकंड हम उसको कंटिन्यू चलाएंगे, 10 सेकंड तक चलाएंगे, फिर क्या करेंगे उसको, फिर स्टॉप करेंगे 5 सेकंड के लिए। कितना सेकंड, 5 सेकंड बंद करेंगे उसको, फिर हम उसको 10 सेकंड फिर हम चलाएंगे उसको, उसके बाद क्या करेंगे, फिर 5 सेकंड हम उसमें गैप देंगे, 5 सेकंड हम उसको ऑफ करेंगे, फिर क्या करेंगे, आपको फिर 10 सेकंड चलाएंगे और फिर उसको बंद कर देंगे। क्या करना है उसको, 3 बार हमने उसको चलाना है, 10 10 सेकंड में, 10 10 सेकंड चलाना हमने, और उसमें हमको क्या करना है, 5 सेकंड का गैप देना है, जिससे कि लोगों को पता चले कि कोई फायर हो गई है, कोई एक्सप्लोजन हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई है। जब ऐसा होता है तो उसके बाद हमको कहाँ आना है, लोगों को सबको, जहाँ पे हमारा असेंबली पॉइंट होता है, एक पलानी रहती है, इमरजेंसी होती है, तो उसको सायरन की आवाज़ से, एक्सप्लोजन की आवाज़ से हम लोगों को कहाँ पे आना है, जहाँ पे असेंबली पॉइंट होते हैं। क्लियर दोस्तों, असेंबली पॉइंट है वहाँ पे, जितने वर्कर आपके काम कर रहे हैं और उस पर देख लेंगे कि हमारे इतने वर्कर या हमारे इतने एम्प्लॉई अंदर थे, ये काम कर रहे थे, सारे आगे हैं, नहीं आगे हैं, तो वो क्या है, इमरजेंसी क्या बोलते हैं, असेंबली पॉइंट आ जाएंगे, असेंबली पॉइंट पर खड़े होकर अपनी बॉडी पर कर लेंगे, कोई फसल तो नहीं है, किसी की डेथ तो नहीं हो गई है ना, कोई अंदर ही तो नहीं गया है, तो इसके बारे में वहाँ पर असेंबली पॉइंट पर डिस्कस कर लेंगे, पता चल जाएगा कौन है क्या नहीं है। क्लियर दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, कभी भी एक्सप्लोजन होता है, कभी भी एक्सप्लोजन पे सायरन फायर है या उस पर सायरन बजता है, तो उसको क्या करना है, हमको 10 सेकंड बजाना है, 5 10 सेकंड बजाना है, 5 सेकंड का गैप देना है, 10 सेकंड बजाना है, 5 सेकंड का गैप देना है, 10 सेकंड बजाना है, 5 सेकंड का उसमें गैप देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, हमको 3 बार ही बजाना है। हाँ, अब उसके बाद अब काम भी करना है, या आप जो एक्सप्लोजन हुआ था या फायर को हमने कंट्रोल कर लिया है, तो उसके बाद हमको क्लियरेंस देनी है कि भैया आप अपनी जगह जा सकते हैं काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आल क्लियरेंस है, मतलब एक आल जो भी इमरजेंसी थी उसको हम क्लियरेंस देना है, आल क्लियरेंस या स्टॉप टाइम, स्टॉप हो गया है, कुछ हो गया, क्लियरेंस है, बंद करना उसको, तो स्टॉप पे टाइमिंग क्या देनी चाहिए उसको, कंटिन्यू उसको हमें क्या करना है, 3 मिनट तक कंटिन्यू हमें उसको बजाना है, 3 मिनट कंटिन्यू उसको चलाए रखना है, 3 मिनट तक कंटिन्यू चलाए रखेंगे, समझ लेंगे कि जो वर्कर है भैया, हम लोग समझ जाएंगे कि भैया काम
जो भी एक्सपोजर वगैरह था उसको अटेंड कर लिया है या कोई फाइल जिसको अटेंड कर लिया है, अब हमको क्लियरेंस देनी है, तो 10 से या उसको 3 मिनट तक हम कंटिन्यू बुझाएंगे, तो 3 मिनट कंटिन्यू बुझेगा जिससे क्लियरेंस उसको मिल जाएगी। ये हुआ इमरजेंसी सैरिन का हमारा प्लान कि कैसे उसको एक्सपोजर पे कैसे उसको टेस्ट करना है, कभी फायर एमरजेंसी होती है कितना सेकंड चलाना है, और जब क्लियरेंस हो जाएगा तो उसको कैसे हमको क्लियरेंस देनी है, तो वो हमको मैंने आपको इसमें चार्ट में बता दिए, चार्ट में आप समझ सकते हैं। 1 मिनट साइरन टेस्टिंग के लिए करते हैं, 10 सेकंड हम 3 जगह उसको कंटिन्यू चलाएंगे, 5-5 सेकंड गैप देके, और जब सारी चीज़ें क्लियरेंस हो जाएंगी इसको उसको रोकना है, तो हमको क्या करना है इसको 3 मिनट तक कंटिन्यू बजाए रहना है, उसके बाद अपने वर्कर वगैरह जो है 3 जगह चल जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मेरा चैनल वाली फायर सेफ्टी नॉलेज है, जिसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोगों का प्यार भी चाहिए, तभी ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना के इसमें डालूंगा। अब कोई भी किसी को कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं कमेंट के बारे में, कमेंट करके, ये तो मैंने अपने से प्लान बनाया है, तो आप इसको समझ सकते हैं अपने कंपनी में, अपने इंडस्ट्री एरिया में कहीं पर भी अपनी उसको हम इस तरीके से हम इसी साइड को बजा सकते हैं, चला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।